गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पुष्पांजलि प्रणवी नर्सरी से आशीष बोल रहा हूँ। अभी इजी ग्रोइंग रोज का जो सीरीज चल रहा है, जो न्यू कमर्स है गुलाब में, अभी वो लोग का ही सीरीज चल रहा है। सबसे इजी ग्रोइंग रोज मैं दिखा रहा हूँ, अभी इसका ही सीरीज चल रहा है। अभी इसका भी कुछ सीरीज चलते रहेगा। अभी एखन शुरू करब इजी ग्रोइंग रोज दिए। इजी ग्रोइंग रोजर सीरीज चलते जरा नतून नतून गोलाप लगाचन तादेर जन्य ये भिडियोगुलो खूब उपकारे लागबे। आज स्टार्ट करेंगे न्यूजीलैंड का गुलाब से। 1994 का ये रोज है, फोरीबंदा गुलाब है, एप्रिकॉट कलर का गुलाब है। रोज का नाम है सिंगिंग इन द रेन। 1984 एर गुलाब, न्यूजीलैंड एर गुलाब, एप्रिकॉट कलर एर गुलाब, फोरीबंदा रोज, सिंगिंग इन द रेन। ये ऑल अमेरिकन रोज सिलेक्शन विनर है। ये भी पॉपुलर गुलाब है पूरा वर्ल्ड में। फ्लोरीबंदा गुलाब एप्रिकॉट कलर गुलाब, लेकिन बहुत पॉपुलर गुलाब है। अमेरिकन रोज सिलेक्शन में इसको प्राइज मिला है। इसको '1984 का गुलाब फ्लोरीबंदा रोज, वन ऑफ द इजी ग्रोइंग रोज। इसमें भी बीमारी होता नहीं है। ऐसे टाइप का गुलाब आप पहले सिलेक्ट कीजिए। ये सब मर जाने से, ऐसे टाइप का गुलाब मर जाने से सोच लीजिए गुलाब करना बहुत मुश्किल हो जाएगा फ्यूचर में। ये जो गुलाब गुलो देखा, ये वन ऑफ द इजी ग्रोइंग रोज। एरा ये ऑल अमेरिकन रोज सिलेक्शन प्राइज विनर। ये तो भालो गुलाब एटा, किंतु फ्लोरीबंदार मध्य रोजर नाम सिंगिंग इन द रेन। एटा हाइब्रिड होच्छे न्यूजीलैंड थेके, मैकग्रेडी करेछे। 1984 সালে হাইব্রিডেশন। এর মোটামুটি পেটালস হয় 30 এর আশেপাশে পেটালস। এও সারা বছরই ফুল হয়। ইসমে 30, ইসমে 35 কে আশেপাশ পেটালস হতা হয়, সালো ফল ফ্লাওয়ার হতা হয়। ওয়ান অফ দ্য ইজি গ্রোয়িং রোজ, সিঙ্গিং ইন দ্য রেন। अभी एक्चुअली बंगाल में ठंडी अभी 4-5 दिन हुआ है, ठंडी गिरा है। अभी थोड़ा थोड़ा अभी ठंडी गिरा है, इसलिए हमारा मदर प्लांट में फूल खिलना स्टार्ट हुआ बोल के मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन पौधा अभी भी पूरा रेडी नहीं हुआ। अभी भी अनदर 15 डेज, मेरा उम्मीद है 15 डेज से 15 से 20 दिन लगेगा। उसके बाद धीरे धीरे अवेलेबल होगा। अभी जो गुलाब दिखाएंगे वो पॉलिएंथर रोज है, वो भी बहुत इजी ग्रोइंग रोज है। ऐसे गुलाब मरता नहीं है कभी, कभी भी ऐसे गुलाब मरेगा नहीं। ऐसे टाइप का गुलाब का अभी सीरीज चल रहा है, जो न्यू कमर के लिए बेस्ट रहेगा। ये पॉलिएंथर रोज है। पॉलिएंथर छोटा छोटा होता है, लेकिन ये स्पाइक में होता है। जैसे देखिए इसका एक तो स्पाइक है, ये जो स्पाइक है देखिए, ऐसे एक तो स्पाइक में हो चढ़ेगा, ऐसे टाइप का स्पाइक में होगा। रोज का नाम है चाइना 65, 1965 का रोज है, पॉलिएंथर रोज है, बहुत इजी ग्रोइंग रोज है, पूरा फूल में भरा रहता है सालों भर। ऐसे टाइप का पूरा पूरा सालों भर फ्लावर में भरा रहता है। चाइना का रोज है, 1965 के गुलाब है, रोज का नाम है चाइना 65। ये पॉलिएंथर ग्रुप में कंपटीशन में आता है, पॉलिएंथर बोल के ग्रुप होता है इसमें। बहुत इजी ग्रोइंग रोज है चाइना 65। इसमें भी कोई बीमारी होता नहीं है। ये जो गुलाब का देखा, ये चाइना 65 पॉलिएंथर ग्रुपे पड़े। पॉलिएंथर ग्रुप गुलो स्पाइके स्पाइके फुल है, भीषण इजी ग्रोइंग रोज। इधर ना कोनो रोग है ना किचु है, पूरा सारा बचर धरे इधर फुल होते थे। इरा गार्डेनर जो परफेक्ट।
एक बार फूल सब समय भरे थके एक बार गार्डन में। ये गार्डन के लिए परफेक्ट है। 1965 के रोज है चाइना 65। এদের যে ফুলে যে পেটালস হয় মোটামুটি পাঁচটা করে পেটালস হয়, পাঁচটা করে পেটালস হয়। আর এইরকম দেখুন এক একটা স্পাইকে ফুল হয়, এই একটা স্পাইক উঠবে, উঠে এরকম থোকার মতো করে ফুল হতে থাকবে। এই এই গ্রুপগুলো হচ্ছে পলিএন্থা গ্রুপ। এরা সারা বছরই ফুল হতে পারে, সারা বছরই ফুল হয় এদের। এই দেখুন ওই বার্ডটা কীভাবে আসে, এইভাবে ওর স্পাইকে বার্ড হয়। ये वाला ऐसे स्पाइक में बार्ड होता है, ऐसे ये जो कली में है स्पाइक में होता है ऐसे टाइप का। रोज चाइना 65। अभी जो गुलाब दिखाएंगे वो यूनाइटेड स्टेट का गुलाब है, ओल्ड रोज है, 1938 का एक गुलाब है। बहुत फ्लावर्स में मिलता है, हर फ्लावर्स में इसको देखने के लिए मिलता है। थोड़ी बंदा गुलाब है, वाइट कलर में है, बहुत इजी ग्रोइंग रोज है। गुलाब का नाम है समर स्नो। एखन जो गुलाबटा देखो प्रचुर फ्लावर्स देखते पाया जाए, प्रतिटा फ्लावर्स देखते पाया जाए। पुरानो गुलाब 1938 साल गुलाबी, प्रतिटा फ्लावर्स होते ही देखते पाया जाए। सदा रंग थोड़ी बंदा गुलाब, ভীষণ ইজি গ্রোয়িং রোজ। গোলাপের নাম সামাসনো। এ ভীষণ ইজি গ্রোয়িং রোজ, এতেও কোনো রোগ হয় না, সামাসনোতেও কোনো রোগ হয় না। প্রতিটা ফ্লাওয়ার্স হতে একে দেখতে পাওয়া যায় সামাসনো। ইজি গ্রোয়িং রোজ হ্যাঁ, সালো ভর ফ্লাওয়ার দেতা হয় সামাসনো। সাদা রঙের ফ্লোরিবন্দা গোলাপ, সামাসনো 1938 সালের গোলাপ, ইউনাইটেড স্টেটের গোলাপ। সারা বছর ধরেই ফুল দেয়, একে প্রচুর ফ্লাওয়ার্সে দেখতে পাওয়া যায়, প্রতিটা ফ্লাওয়ার্সে দেখতে পাওয়া যায় একে। এভি ওয়ান অফ দ্য ইজি গ্রোয়িং রোজ। এখন যে গোলাপটা দেখাবো এটা 1975 সালের গোলাপ, IARI, ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউট, এদের ভ্যারাইটি এটা। 1975 সালের গোলাপ, পিঙ্ক কালারের গোলাপ, এটাও খুব ভালো ফুল। গোলাপের নাম অরুণিমা, রোজ অরুণিমা, ওয়ান অফ দ্য এবি বহুত ইন্ডিয়ান রোজ মে ফ্লোরিবন্দা গ্রুপ মে আতা হয়। এটা ইন্ডিয়ান রোজ ফ্লোরিবন্দা গ্রুপে 1975 সালের IRA ভ্যারাইটি, খুব ভালো গোলাপ এটাও। এবি যে গোলাপ দেখা রাও এবি বহুত আচ্ছা গোলাপ হে, ইন্ডিয়ান রোজ হে, IARI, ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউট, উসকা ভ্যারাইটি হ্যাঁ 1975 কে ভ্যারাইটি হ্যাঁ। একই শ্রীলিং কা ভ্যারাইটি হ্যাঁ অরুণিমা এন্ড সদাবাহার, উনকা দোনো কা ফাদার মাদার একই হ্যাঁ। এ হ্যাঁ অরুণিমা, এবি বহুত আচ্ছা পপুলার গোলাপ, ইসমে ভি বিমারি হতা নেই অরুণিমা মে ভি। बहुत अच्छा गुलाब है, एक तो अरुणिमा इंडियन वैरायटी, बहुत अच्छा गुलाब। फ्लोरिबंदा रोज में पिंक कलर का गुलाब होता है, सालो फॉर फ्लावर होता है ये अरुणिमा, सालो फॉर फ्लावर होता है। ये भी वन ऑफ द इजी ग्रोइंग रोज है, 40 से 50 के आसपास पेटल्स है इसमें, पेटल्स लेकिन बहुत है फूल में। ये जो कली देखिए इसमें, जो देखिए इसमें कितना पेटल्स है, देखिए एक पे कितना पेटल्स है, 40 से 50 के आसपास पेटल्स है इसमें। इसका लीफ भी बहुत अच्छा है, ग्रीनिश फॉलेज है,
ग्रोथ है बहुत अच्छा है, इसको भी आप पॉट में भी एग्जीबिशन में लगा कर सकता है, जमीन पे भी लगा सकता है, ये अपनी पटे लगाते पर आर मटीते लगाते पें और सारा बचर धरे फुल दीते। पिंक कलर फरीबंदा गोलाप अरुणिमा, ये पिंक कलर का फरीबंदा रोज अरुणिमा, फॉलेज भी बहुत अच्छा है इसका। आइए आरआई का ये वन ऑफ द बेस्ट वैरायटी है। शालो फॉर फ्लावर देता है अरुणिमा और हर टाइम पूरा बार्स में भी रेडी रहता है, कुछ खिलते रहता है, कुछ बार्स आके रेडी रहता है, इसीलिए जब स्टार्ट होता है सीजन कंटिन्यूसली फ्लावरिंग चलता है इसका। न्यू कमर्स जो फ्रेंड्स लोग है ये सब पौधा लगाना चाहिए जरूर, हर दिन एक टक करके फंगीसाइड दीजिए, हर दिन एक बार फंगीसाइड, नेक्स्ट दिन फिर माइटीसाइड, ऐसे करके दवाई चलाते रहिए, कैटरपिलर एक दिन, विटामिन हफ्ता में एक दिन, ऐसे कर कंटिन्यू मेडिसिन भी चलाते रहिए। पौधा पहले पौधा लगाइए 6 इंच का गमला में, मिट्टी 50% काउडंग 50%, पानी पहले दिन अच्छे से दे दीजिए, उसके बाद एक हफ्ता तक स्प्रे करते रहिए पानी, 2-3 बार 4 बार करके स्प्रे करते रहिए, बस प्लेन वाटर। उसके बाद धीरे धीरे जब लीव्स आएगा उसके बाद खाना चालू होगा, 15 दिन के बाद। थैंक यू फ्रेंड्स, आज यहाँ पर ही कंप्लीट कर देता हूँ, नेक्स्ट दिन आएंगे फिर दूसरा कुछ वैरायटी देखते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, अभी